तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या से। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। मनमोहक की तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं और ये पहला मौका है जब राम मंदिर के निर्माण के बाद, उद्घाटन के बाद इस तरह से भव्य आयोजन दिवाली के मौके पर किया जा रहा है और 28 लाख दीपकों से जगमग है दीपावली। इस बार की दीपावली लाखों दिए जलाए गए हैं। कुल अगर हम दियों की बात करें तो ये आपको बता दें कि कुल जो दिए हैं वो 28 लाख हैं। अयोध्या की ये दीपावली इस बार बेहद मनमोहक नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहला मौका है जब रामलला की मूर्ति की यहाँ स्थापना हो चुकी है और अब भव्य आयोजन दीपावली का किया गया है। लाखों दिए जगमगा रखे हैं, जगमग हो गई है दिवाली। भव्य पर्व दिवाली के दौरान अयोध्या में आप देख सकते हैं इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण अगर हम कहें तो सरयू नदी के किनारे लाखों दिए हैं। 28 लाख दिए इस बार यहां पर जलाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। अनोखे अंदाज में दीपावली मनाई जा रही है। दीपावली का भव्य आयोजन किया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या में दीपावली मुख्य पर्व है, अमावस्या तिथि के दिन ये शुरू हो जाता है। दीपावली की रात को विशेष पूजा के साथ दिए जलाए जाते हैं और अब दियों का प्रज्वलन का समय शुरू हो गया है। भव्य रूप से मनाया जा रहा है वार्षिक उत्सव। 28 लाख दिए जलाकर एक अद्भुत दृश्य यहां किया जा रहा है, एक नया गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। दीपावली के दौरान अयोध्या में भव्य आयोजन होते हैं, दीपोत्सव का भव्य पर्व मनाया जाता है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण है सरयू नदी के किनारे पर लाखों दिए, अद्भुत दृश्य। दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश अयोध्या में मौजूद हैं और लगातार ये तस्वीरें आप भव्य तस्वीरें अयोध्या से देख रहे हैं। भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से इस दिवाली के मौके पर अयोध्या में लोग पहुंचे हैं और ये ड्रोन का एक भव्य नजारा शॉट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद सरयू के घाट पर, सरयू के घाटों पर करीब 28 लाख दीपों के जरिए दीपोत्सव का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या की मनमोहक तस्वीरें जो सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं और आज पूरे देश में इन शानदार और भव्य तस्वीरों को देखा जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जी, सीता जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनका राज्याभिषेक किया। जब अयोध्या वापस लौटे थे सीता जी के साथ श्री राम, तो उसी का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया गया और रथ के जरिए श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को जो मुख्य पंडाल यहां पर बनाया गया है वहां पर लाया गया था और उसके बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों ने और सरकार में शामिल कई कैबिनेट और कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने उस रथ को खींचा था और ये तस्वीरें सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जब दीपों से जगमग घाट नजर आएंगे सरयू के। तो अयोध्या से आप ये सीधी तस्वीरें देख रखे हैं, राम भक्ति में लीन यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रखे हैं। अयोध्या की ये दिवाली इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि रामलला विराजमान है अपने मंदिर में। इस बार रामलला का विराजमान होने के बाद ये पहला मौका है जब वो इस तरह से दिवाली मना रखे हैं। भव्य आयोजन किया गया है, 28 लाख दिए सरयू के तटों पर सजाए गए हैं। बस दियों को अब जलाया जाएगा, इससे पहले यहाँ पर आरती की तैयारी कर ली गई है और आप देख सकते हैं कि पूजा पद्धति के लिए यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। सरयू के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं, राम भक्ति में लीन ये श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। 28 लाख दिए जब एक साथ जगमग होंगे तो पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी इस रोशनी से। अब उस रोशनी को
जलाने से पहले, उस रोशनी के आगमन से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सरयू के तट पर यहाँ पर आरती की जा रही है। लोगों में गजब का एक उत्साह देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर देखिए लाइटिंग की गई है। इसके साथ ही अब दिए भी बस जलने वाले हैं, अयोध्या जगमग होने वाली है। सरयू के तट पर इस समय विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी, आरती का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचे हैं, श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, तो बस अब इंतजार है दियों के जगमग होने का। बिल्कुल आरती, और आरती की ये भव्य तस्वीरें अयोध्या के सरयू से, सरयू नदी जो प्रतीक है प्रेम का, और ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग वक्तों की, अलग अलग समयों की, जब अयोध्या के अंदर देश के अलग अलग राज्यों से लोक कलाकार पहुंचे थे, सभी ने अपनी प्रस्तुतियां दी, तरह तरह की झांकियां यहां पर निकाली गईं और पूरी अयोध्या नगरी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जो कहावत है कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। और दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, अभी आरती चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, कई कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के कोने कोने से आज के इस भव्य आयोजन का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हैं। भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया गया है और जो तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं, वहां की आवाजें भी आपको सुनाते हैं, भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की। लेजर लाइट के जरिए चित्रण किया जा रहा है रामायण का और उन क्षणों का, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण द्वारा सीता जी के हर कर लेने के बाद वो पल गुजारे थे, और उसके बाद फिर वो श्रीलंका पहुंचते हैं, रावण का वध करते हैं, और उसके बाद सीता जी को वापस लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आप देख सकते हैं राम मंदिर में पहुंचे हैं, और अब वहां पर जो प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, पूजा अर्चना की जाएगी। और ये ड्रोन का शॉट, ये तस्वीर है, ये विजुअल अलग अलग जगहों के उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में मनमोहक छवि हर एक तरफ से नजर आ रही है। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्री राम मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां के जो महंत हैं और जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं उनके साथ, जो गर्भगृह है वहां पर पहुंचते हुए, मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री गजेंद्र शेखावत मौजूद हैं। कर रहे हैं, आरती करते नजर आए हैं, अयोध्या में भव्य आयोजन। साल 2017 से इस तरह के महोत्सव की शुरुआत के बाद इस आयोजन को स्थानीय उत्सव से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला मंडलियों द्वारा यहां प्रस्तुति दी जाती है, ड्रोन शो होते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन की जाती है, धार्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम यहां पर नजर आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं,
इधर 28 लाख दिए सरयू के तट पर रख दिए गए हैं। दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। दियों के प्रज्वलन से पहले इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है। सरयू के तट पर भी देखिए सरयू आरती की जाएगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में पहुंचे गए, अपने हाथों से देखिए उन्होंने पूजा अर्चना यहाँ पर की है। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या, 28 लाख दियों से यहाँ पर जगमगाने वाली है अयोध्या। एक नया रिकॉर्ड इस बार यहाँ पर कायम किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में भव्यता के साथ दीपावली मनाई जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। 28 लाख दिए इस बार जलाने का उद्देश्य रखा गया है। अयोध्या में इस बार तैयारियों में अलग रंग देखने को मिल रहा है। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या में पहली दीपावली है, इसे लेकर अलग तरह का उत्साह देखने को मिला। अयोध्या के निहारने के लिए उत्सुकता में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। भव्यता के साथ मनाई जा रही है दीपावली। राम मंदिर में देखिए 496 साल के बाद पहली बार दीपावली भव्यता के साथ यह मनाई जा रही है। राम मंदिर में 2 दिनों तक दीपोत्सव का महाउत्सव चलेगा। पहले दिन जहां लाखों दिए जलाए गए, अब 28 लाख दिए यहां पर जलाए जाएंगे। साल 2024 में 22 जनवरी को प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पहली बार दीपावली राम मंदिर ट्रस्ट भव्यता के साथ मना रहा है। राम मंदिर परिसर में मंदिर में इस वक्त आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अब आपको एक बार फिर से हम अयोध्या लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, फिर सरयू के तट पर यहां पर सरयू आरती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू के तट पर इस वक्त पहुंच गए हैं। दीपोत्सव का यहां पर शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो सीएम योगी देखिए दीपोत्सव का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार 28 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या, दुल्हन की तरह सजी है अयोध्या। कई कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी देखिए इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, अयोध्या से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। गजब का उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तरयू के तट पर यहां पर इस समय दीप प्रज्वलित किया है। तो सरयू के तट पर दीप प्रज्वलित करते सीएम योगी आदित्यनाथ, कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं और सरयू के तट पर इस समय दीपोत्सव का शुभारंभ उन्होंने किया है। 28 लाख दियों से अयोध्या सजेगी, जगमगाएगी, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और सरयू के तट पर पूजा अर्चना की गई है। विधि विधान के साथ सरयू तट पर आरती का आयोजन किया गया और इसके साथ ही दीप प्रज्वलित किए गए हैं। 28 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। सरयू के तट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी ने अपने हाथ से यहां पर दिया प्रज्वलित कर प्रज्वलन का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहां पर 28 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे। जगमगा रही है अयोध्या। कहीं देखिए लाइटें लगाई गई हैं और साथ ही साथ सरयू के तट पर दिए रखे गए हैं, दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सीएम योगी ने पहला दिया जलाया और दिए प्रज्वलित करने का शुभारंभ कर दिया है। 28 लाख दिए एक साथ सरयू के तट पर जलेंगे।